अब तक आपने देखा साईं त्रियंबक का ध्यान बांटने के लिए उसे द्वारका माई में व्यस्त रखते हैं। उधर अंतापंता त्रियंबक की ओर झूठी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अरे भाई तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। कहा सुना माफ, अब तो हम दोस्ती कर सकते हैं ना। यहाँ साईं एक और अद्भुत चमत्कार करते हैं। त्रियंबक साईं का व्यवहार देख प्रभावित होता हुआ नजर आता है। अब आगे। अरे गधों, त्रियंबक को एकाध बार नमकीन खिलाने की कोशिश की कि नहीं? सरकार अभी तो वो दोस्त बनाए केवल। सरकार सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सारा समय द्वारका माई में ही रहता है, बाहर आता ही नहीं है कभी। वो सब कुछ मैं जानता नहीं। इसे बाहर निकालो, कुछ भी करो, प्रलोभन दिखाओ, लेकिन उसे जल्द से जल्द नमकीन खिलाओ। हरिओम। हरिओम। बैल कहीं के। त्रियंबक कहाँ रह गए थे? गांव घूम रहा था बस। औषधि ग्रहण कर। आज हमें भिक्षा में बहुत सारा अन्न मिला है, आज हम सब मिलकर भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने में मेरी मदद करोगे? साई, साई नमक का है? नमक मैं डाल दूंगा लक्ष्मी, तुम खाने के लिए पत्तल लगा दो। ठीक है साई। रुको त्रियंबक, पहले बच्चों को खाना परोस दो इस वाले बर्तन से। करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ, निर्बल का जो मुझे तो सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम। रुको, पहले बच्चे खाएंगे उसके बाद हम दोनों खाएंगे। अब ये कैसा मजाक है? खाना मेरे सामने पड़ा है और खाऊं नहीं, सिर्फ देखूं? त्रियंबक, भोजन के लिए तुम्हारा जो आकर्षण है, जो लगाव है, तुम्हें उस पर नियंत्रण पाने की कला सीखनी होगी, क्योंकि ये तुम्हारे इलाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस वक्त तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, इसलिए तुम्हें खाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी क्षण से तुम अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करोगे। हो गया खत्म उपदेश तुम्हारा? तो सुनो, मैं सिर्फ ना अपनी ताई के कहने पर ये सब काम कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है तुम्हारी दवाई और तुम्हारी औषधि सब तुम्हारा ढोंग है, ढोंग। मुझे तो लग रहा है तुम दूसरों का खाना पीना रोककर उन्हें सताना चाहते हो। मेरे साईं के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है कोई। वो किसी को नहीं सताता है, सबसे प्रेम करता है। हो सकता है साईं तुमसे प्यार करते हो, इन बच्चों से प्यार करते हो, या पूरे गांव से प्यार करते हो, लेकिन मेरी जिंदगी तो नरक बना के रखी है ना।
साईं, तुम्हारी दवाई और तुम्हारा ये खाना, तुम्ही को मुबारक। मैं सीढ़ी से ही जा रहा हूँ। त्रंबक, त्रंबक। जाने दो उसे साई, तुम्हारे साथ खाना मैं खाऊंगी। ये क्या साई, तुमने खाने में तो नमक डाला ही नहीं है। लेकिन मेरे खाने में तो है। हाँ, मेरे में भी है। मेरे में भी। तो फिर साई, तुम्हारे खाने में क्यों नहीं है नमक? क्योंकि मैंने किसी को खाने में नमक छोड़ने के लिए कहा था, तो फिर मैं नमक कैसे खा सकता हूं? मुझे भी तो फिर बिना नमक का खाना खाना चाहिए ना। तो क्या तुमने भी खाने में नमक छोड़ दिया ऐसा ही मेरी वजह से? देखा, मेरा साई सबका दुख दर्द जानता है, चाहे वो इंसान हो, ताकतवर बाघ हो या नाजुक सी तितली, सबकी मदद करता है मेरा साई। तो कल वो तितली? ओम साई, 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 ओम साई। मुझे माफ कर दो साई, मैं बहुत अभागा हूँ जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुमने मेरे लिए नमक का त्याग कर दिया। अगर मुझे पता होता तो। त्रंबक, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम मुझ पर या मेरे इलाज पर विश्वास करो। मैं तुम्हें केवल एक साधारण सी वस्तु नमक का महत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब नमक हमारे भोजन में होता है तो हमें हर चीज स्वादिष्ट लगती है, लेकिन हमें नमक की उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। पर अगर वही नमक भोजन में ना हो तो खाने की कोई भी वस्तु बेस्वाद हो जाती है। अब समझ गई मैं, जैसे भोजन में नमक है वैसे ही तुम हो हम सबके लिए। अगर तुम नहीं होते तो हम सबका जीवन कितना बेस्वाद होता ना। हाँ साई, इनकी खिचड़ी की तरह। मुझे माफ कर दो साई। अल्लाह मालिक। अब क्या करेंगे पंता जी? इंतजार करेंगे मौके का, और क्या। आज तो त्रंबक हाथ में हाथे आते रह गया। आपके हाथ में? रहने दीजिए अंता जी, आप नहीं समझेंगे। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि साई ने नमक खाना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो उसका साथ दे रहा है, मनोबल बढ़ा रहा है वो उसका, अब समझे। सच में कमाल है साई। कमाल क्या है, अजीब है अजीब। चलिए। त्रंबक, द्वारका में जा रहे हो? हाँ, वहां कुछ काम है मुझे। लेकिन साई तो भिक्षा मांगने गया है, क्यों अंता जी? हाँ, वो तो उधर गया है। क्या त्रंबक, कभी तो अपने लिए समय निकालो, क्या मुफ्त में काम करते रहते हो। अरे जीवन में आनंद भी लेना चाहिए कभी कभी, चलो हमारे साथ। अरे चलो।
अरे बैठो दोस्त, बैठो। तीन नमकीन लेना, ये शिरडी की सबसे मशहूर दुकान है। हाँ, अरे दोस्त अंता जी को देखो, उनकी सेहत इसी दुकान के कारण है। जलेबी हो या लड्डू, भजिया हो या फरसान, क्या स्वादिष्ट बनाता है। एकदम चटपटा तीखा, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। लो दोस्त, पंता जी। सरकार, हम त्रंबक को नमकीन देने में सफल हुए। सरकार, इसके लिए इनाम देंगे ना हमें? हरि ओम। अवश्य दूंगा पुरस्कार। मूर्ख नंदो, उसने नमकीन ले लिया इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने नमकीन खा लिया। तुम दोनों को उसके पीछे पीछे जाकर आश्वस्त होना चाहिए था कि उसने नमकीन खाया है कि नहीं। खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो मेरा, जाके पता करो। हरिओम हरिओम। बाईजा अक्का, आप बाईजा अक्का के छोटे भाई की बीवी है ना? हाँ। बाईजा अक्का के लिए मैंने मटरी बनाई थी, वही देने आई हूँ। कहाँ है वो? लो कर लो बात। मटरी लाइए, मैं उन्हें दे दूंगी। रिहाना कैसी हो? और सलीम कैसा है? बहुत अच्छे हैं। बताओ कैसे आना हुआ? वो आपके लिए मैंने मटरी बनाई थी, वही देने आई थी। अब चलती हूँ। रुको रिहाना, माफ करना रियाना, हम में से कोई भी मटरी नहीं खा पाएगा। तुम तो जानती हो मेरे भाई का इलाज चल रहा है और साईं ने उसे नमक खाने से मना किया है, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम घर में ऐसा कुछ नहीं खाते हैं जो वो ना खा सके। कोई बात नहीं बाईजा अक्का, ऐसा परिवार तो नसीब वालों को मिलता है। एक के परहेज के लिए सब परहेज कर रहे हैं। लेकिन त्रंबक के ठीक होते ही मैं मटरी जरूर खाऊंगी और तुम लेकर आना मेरे लिए। हाँ, मैं बनाऊंगी ना आपके लिए। ठीक है, अभी चलती हूँ। मैं जानता हूं ताई ने मटरी मेरी वजह से ही लौटाई होंगी। आप ये रख लीजिए। लीजिए। वैसे भी मैं खा नहीं सकता, मुझे किसी ने दिया था। आप रख लीजिए। ठीक है, चलती हूँ मैं।
नमकीन लौटाकर तुमने अपने आप पे नियंत्रण रखा, ये देखकर अच्छा लगा मुझे। मैं कैसे खा लेता ताई? मेरे कारण आप सब लोग सादा खाना खा रहे हैं। यहाँ आपने नमक खाना छोड़ दिया है और वहां साई ने नमक खाना छोड़ दिया है। आपकी उम्मीदों और आपके भरोसे को मैं कैसे तोड़ देता? देखा गुणवंता, कितना समझदार हो गया है मेरा भाई। कुछ ही दिनों में कितना बदल गया है। उस दिन ये जानता था कि भामा पेट से है, फिर भी उसके हिस्से के अमृत खा गया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ताई, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आया। अब क्या होगा पंता जी? कुछ बड़ा सोचना होगा अंता जी। सोचने का काम तो आपका है ना पंता जी, इसमें तो मैं कमजोर हूँ। खाना देखते ही त्रंबक खाने के लिए मजबूर होता था, वो तो साई ने छुड़वा दिया। लेकिन इंसान की एक नहीं, कई कमजोरियां होती है, वैसे इसकी भी होगी। और अगर हमें वो पता चल जाए तो हम त्रंबक को और भी काबू में कर सकेंगे। क्या योजना है पंता जी? मामा बहनी। हाँ, कौन? मैं त्रंबक। ये अमरूद, माफ कर दीजिएगा मुझे, उस दिन ताई ने आपके लिए टोकरी भर के अमरूद भिजवाए थे और मैं सारे खा गया था। मुझे भस्मक रोग है, भूख पे नियंत्रण नहीं था मुझे, अब सीख रहा हूं और अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। इसलिए आपको अमरूद देने थे और गांव के किसी पेड़ पे अमरूद थे ही नहीं, तो मैं हाट जाकर ले आया। धन्यवाद। साईं से इलाज करा रहे हो? जी। तभी तुम्हें किसी भी पेड़ पर अमरूद नहीं मिले तो तुम हाट से खरीद के लेकर आए। साईं का असर कुछ ऐसा ही होता है। सच कहा आपने, कुछ तो बात है उनमें। चलता हूं। इसको तो साईं ने पूरी तरह बदल दिया है, तो खाने का सामान बांट रहा है। परसों पूर्णिमा है और उस दिन उसका इलाज पूरा हो जाएगा। उसके बाद त्रंबक साई का गुणगान करते फिरेगा और कुलकर्णी सरकार हमारा क्या करेंगे? नहीं अंता जी, नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि क्योंकि मेरे खास खबरी ने त्रंबक के गांव जाकर उसकी कमजोरी का पता लगा लिया है। उसे ना, उसे नाच गाने का बहुत शौक है, खास करके तमाशा देखने का। चाहे चाहे तमाशा कहीं भी हो, वो जाएगा जरूर। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वाह पंता जी वाह, क्या बुद्धि पाई है आपने। मैंने सारा काम कर दिया साईं, क्या मैं अब जाऊं? हाँ जाओ, दो दिन में तुम्हारा इलाज पूरा हो जाएगा। अभी तक तुमने बड़ी अच्छी तरह निभाया है, इसलिए तुम में आया परिवर्तन सब लोगों को दिखाई दे रहा है। मैं भी बहुत खुश हूं साईं, मैंने अपनी ताई का सर झुकने नहीं दिया। अच्छा चलता हूं। राम जी भला करें।
साजना करू नका अशी लाडी गोडी साजना करू नका अशी लाडी गोडी साजना करू नका अशी लाडी गोडी। अरे त्र्यंबक, अरे ऐसे गाने पे तो तमाशे में नाच होता है। हाँ, ये तमाशे का गाना है और हम दोनों को तमाशा बहुत पसंद है। तुम लोगों को भी तमाशा पसंद है? तुम लोगों को भी? इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी तमाशा पसंद है? हाँ। अगर तुम्हें भी तमाशा पसंद है तो बताओ, ये गाना जो मैं गा रहा था वो गाना किस मंडली का है? अरे इसे तो कोई बच्चा भी बता सकता है। मशहूर तमाशे वाली सुवर्णा बाई के मंडली का गाना है ये। अरे वाह पंता जी, इसे तो सब कुछ पता है। पर इसे ये नहीं पता कि वही तमाशे वाली सुवर्णा बाई कल रात पास वाले गांव में आ रही है। सच? हाँ हाँ, हम दोनों तो वहां जा रहे हैं। हमारे जाने का सारा इंतजाम हो गया है, तुम चलोगे? सुवर्णा भाई, क्यों नहीं, मैंने उसका तमाशा आज तक नहीं देखा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे इलाज के लिए काफी सारे नियमों का पालन करना पड़ रहा है मुझे। सुबह से शाम द्वारका माई में रहना जरूरी है मेरा। मेरे इलाज में कोई बाधा ना आए। अरे त्र्यंबक रुको, अरे रुको 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 भी, अरे हमें तो रात में जाना है और खाना खाकर घर से निकलेंगे। बैलगाड़ी से जाएंगे तो तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी, और सुबह होने से पहले उसी बैलगाड़ी में बैठकर वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कानो कान खबर भी नहीं होगी किसी को। तो चलोगे ना दोस्त? मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अपनी ताई को निराश नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे इलाज के लिए मेरे लिए काफी कष्ट सहे हैं। मैं नहीं आ पाऊंगा। कल पूर्णमासी है, तुम्हारे इलाज का आखिरी दिन। कल के बाद तुम पर ही निर्भर करेगा कि तुम खुद पर कितना नियंत्रण रख पाते हो। मेरे विचार से तो मैं पहले ही ठीक हो चुका हूं। मेरे खाने की लत भी छूट गई है। संतुलित खाना खाता हूं, दिन भर काम करता हूं और कोई आलस नहीं, और रात को ही केवल सोता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है त्र्यंबक। ये सब आपकी कृपा है साईं। आपने इतने कम समय में मुझे ठीक कर दिया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। बायजा मां तुमसे बहुत प्यार करती है त्र्यंबक, और ये मेरा चमत्कार नहीं, बायजा मां के उसी प्यार का नतीजा है। प्यार का आधार होता है विश्वास, इसलिए कभी लोगों के विश्वास को मत तोड़ना। मेरी बात याद रखना त्र्यंबक, कि जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, उनके भरोसे को हमेशा बनाए रखना। आज की रात ही कुछ ना कुछ करना होगा, हमारे लिए यह आखिरी मौका है। शुक्रिया साई। हम लोग होली क्यों खेलते हैं?
ये तो पता है क्योंकि वृंदावन में कृष्ण भगवान खेला करते थे, लेकिन होली का दहन क्यों किया जाता है? होली का दहन के पीछे एक पौराणिक कथा है, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा। हमें सुनाओ ना वो कहानी। बैठो। एक राजा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसके भाई का वध भगवान विष्णु ने किया था, इसलिए वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तो क्या ब्रह्मा जी ने वरदान दिया? नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। इस पर उसने कहा कि ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो फिर मुझे 5 वरदान दीजिए। पहला वरदान ये कि कोई भी देवी देवता, मनुष्य या राक्षस, जीव या जंतु मुझे मार ना सके। दूसरा वरदान ये मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। तीसरा वरदान, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। चौथा वरदान, ना मैं जमीन पर मरूं ना आसमान में मरूं और ना ही जल में। पांचवा वरदान ये मांगा कि ना ही मैं किसी अस्त्र से मरूं और ना ही किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा। एक तरीके से उसकी मृत्यु असंभव हो भी गई थी, वो चाहता तो अच्छे काम कर सकता था, लेकिन नहीं, वो तो अहंकार से भर गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए वो निरंकुश हो गया, अत्याचारी हो गया। अब उसे किसी का भय नहीं रहा, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। उसके घर उसकी चौथी संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। केशव, तुम्हें तो मुझसे बड़ा साहूकार बनना है। शिरडी की संपत्ति तो तुमने देख ली, अब हम शिरडी के बाहर जा रहे हैं, वहां के खेत, वहां की संपत्ति देखने के लिए। हरिओम। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसका पुत्र उसके शत्रु विष्णु का भक्त हो। उसने प्रहलाद को आदेश दिया कि विष्णु की नहीं, तुम मेरी पूजा करो। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की जान लेने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर उसने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मार डालने की योजना बनाई। होलिका के पास वरदान में प्राप्त एक चादर थी, जो कि आग में नहीं जलती थी। अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और उस चादर को ओढ़कर धू-धू करती आग में जा बैठी। लेकिन प्रभु कृपा से हवा का झोंका आया और वो चादर उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से उस दिन को हम लोग होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। हरिओम। हरिओम। तुम्हें रुकने के लिए यही जगह मिली थी, थोड़ी देर पानी नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। माफ करना सरकार, गलती हो गई।
चले यहां से। बड़ा आया है पानी पीने वाला। देखा साई तुमने, बेचारा केशव कैद होकर रह रहा है। लौटने के बाद अपने वाड़े से एक बार भी नहीं निकला। याद रखना, केवल कल का दिन बाकी है। कल फागुन पूर्णिमा है, तुम्हारे इलाज का अंतिम दिन। उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जब इतने दिन संकल्प रखा तो अंतिम दिन भी निकल जाएगा। वैसे कुछ समय की तो बात है, इसके बाद क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।